लगे हैं सेब, पेड़ है हमारा ये गिर गया इस बार, दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं गोल्डन। अब ये है राहुल भाई का ऑफिस, यहाँ जिस पे ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग के बाद सेब होते हैं ऐसे रख। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज सुबह सुबह मैं चल रही हूँ पैदल, मैं 7:30 बजे चली थी घर से क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ एक्चुअली मेरे दूसरे गांव, जहाँ पे मैं रेयरली जाती हूँ, बहुत से भी बहुत रेयरली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ चला है आजकल सेब का सीजन। तो मैं सोच रही थी सेब का सीजन भी देख लेती हूँ, उसको भी कवर कर लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ सेब का सीजन। बहुत पसीना पड़ गया है तो मैं यहाँ रुकी हूँ ब्रेक के लिए, अपने साथ है पानी। और अभी जाना है मुझे ऊपर, एक रोड है वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ पे आती है एक बस जो आज मुझे सीधा डायरेक्ट उस गांव तक ले जाएगी। शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेट्स गो। तो अभी पहुंची हूँ मैं नागाधार बुआ के घर, और बुआ जी भी घर पे नहीं है, भाभी भी घर पे नहीं है, बुआ वहाँ है नीचे खेत में। ये चला है सेब का सीजन जी। अड़कोरिया चाहिए, हमारी क्रेटे आ गई है इधर, यहाँ पे ये भी हमारी है, ये वाली भी हमारी है। बुआ जी ये दे रहे हैं मुझे मटर, अपने खेत के मटर दे रहे हैं। ये हो रही है सेब की पेटियां लोड। तो अब मैं चल पड़ी हूँ अपने घर की तरफ, बुआ के घर से काफी दूर है। तो ये यहाँ पे नाग देवता का मंदिर भी है, ये मेरी गाइड है दीदी, वो है हमारा घर, ये वाला, ये है हमारा घर यहाँ पे सबसे ऊपर। इससे ऊपर दो चार ही घर है, पर इधर को ये व्यू है यहाँ से, नागाधार गांव पूरा यहाँ पे रह गया, हमारा घर यहाँ पे। नमस्ते, कैसे हो? जो मिल गए थे दीदी मेरे को, बड़े मम्मी हाय बोलो, हाय हाय। बड़ी मम्मी ने पूरा सीजन लगाया है, कब से आए हुए हैं, तब से यहीं पे हैं। तो अभी मैं चेंज करके आ गई हूँ और यहाँ पे है रास्ता गिरा हुआ, थोड़ी लैंडस्लाइड होगी इधर। और अब हम जा रहे हैं बगीचे की तरफ, बैग डाल दिया है मैंने, मुझे जो काम बोला जाएगा मैं सिर्फ उतना ही काम करूँगी। तो अभी हम आ गए बगीचे में, वो आ रहे मेरे बड़े मम्मी बगीचे, अब जाएंगे सेब तोड़ने। सेब गिरे हैं और सबसे बड़ा डिजास्टर देखो, इतने बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं, ये इतना बड़ा पेड़ है हमारा, ये गिर गया इस बार, इतनी ज्यादा बारिश हुई है और इसने अपने साथ नीचे वाले पेड़ को भी डैमेज कर दिया है। बड़ी मम्मी ने इधर बालड़ी भी लगाई है भाई, राजमा भी लगती है इसमें। बड़ी मम्मी दिखा रहे हैं मेरे को अपनी मेहनत कि इन्होंने राजमा लगाई है, ये देखो यहाँ पे राजमा। पेड़ दिख रहे हैं सेब के, 60-60 साल पुराने हैं, पूरे उठ गए बेचारे, बुढ़े हो गए। ड्रॉप स्प्रे के लिए टंकिया। तो ये लगे हैं सेब, ऑलमोस्ट सीजन खत्म होने वाला है, पर फिर मैं लेट होगी आने के लिए। और ये लगे इधर सेब पेड़ों में। तो ये रखिए क्रेट्स भर के, इस तरह से क्रेट्स में भर के ले जाते हैं सेब। हेलो राहुल ब्रो, तू काम करे, सेब तोड़ने के लिए संपर्क करें 9625287222। ड्रॉप नहीं करेगा सेब और फटाफट क्रेटे भरी जाएगी जल्द से जल्द, एक दिन में 150 क्रेटे, धोना भी और तोड़ना भी। मैंने ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया है, कृपया करके आप संपर्क जरूर करें, मेरी ईमेल आईडी है। सेब तोड़ने का सही तरीका होता है वो राहुल ब्रो आपको बताएंगे। सेब तोड़ने का ये बिल्कुल सही तरीका है, डंडी नहीं टूटनी चाहिए नहीं तो सेब डैमेज हो जाता है। इस तरह से सेब को पकड़ा, ये इसको थोड़ा से ऊपर की तरफ घुमा दिया तो ये देखिए सेब इस तरह से टूट गया है, जिस तरह से हम ड्राइंग बनाते हैं उसमें पत्ते भी आ गए दो, ये एक्चुअल सही तरीका है। ये लोग चढ़ पड़े हैं पेड़ में सेब तोड़ने, और
ऊपर काफी आगे जाके सेब है तो ऊपर से ड्रॉप करा रहे हैं, फिर राहुल कैच कर रहा है। तो परे वाले पेड़ से निकल रहे थे ये वाले? तू रेडी है भी? तू वीडियो ना बना, तू बोल तो सही कुछ साथ में। बोलू का अगर तू रेडी है मैं बहुत ज़्यादा 10 फीट नहीं 12-15 फीट ऊपर है मधु। बड़ी हूँ मैं देर से। ओके मधु। दीदी बोल रहा मेरे को। ओके मधु दीदी। बैग पकड़ना पड़ेगा तेरे को, बैग भर के मेरा। दिहाड़ी पे एक लेबर लाई है स्पेशल, दिहाड़ी काटी जाएगी। राहुल कुछ काम नहीं कर रहा है, ये बस इंस्पेक्शन करता रहता है, देखता रहता है। तू कहेगा बाबू है करते, पहले थोड़ी देर पहले बोल रहा था तू ठेकेदार है, अब तू बाबू हो गया। ठेकेदार है मैं, ठेकेदार है। ये है दो करेटों का ठेकेदार। डॉक्टर हूँ मैं, सेब का डॉक्टर। दे तो ये मेरा पहला एप्पल होने वाला है जो मैं खाऊंगी। तो जब से मैं खेत आई हूँ ना, मैंने एक भी एप्पल नहीं खाया, तो मैं पहला एप्पल खा रही हूँ ये वाला। 20 रुपए का सेब ही खा लेंगे यहाँ से। सेब तोड़ते तोड़ते सेब खाने से एनर्जी मिलती है। घाटा होता है, घाटा बोलता है, घाटा होता है। अगर खुद नहीं खाएंगे तो क्या फायदा सेब का, खुद तो खा नहीं रहे। कितना डिफिकल्ट होता है आगे सेब तोड़ना। जो पकड़ ऐसे लेबर की क्या आवश्यकता है जो सेब खाए। पहला सेब है मेरा ये, वो रख दी। अब राहुल लगा रहा है सेबों को क्रेट में अच्छे से। आज के दिन हो गया क्लोज, ये जा रही है क्रेटे और हम भी जा रहे हैं अब घर। तो अभी हम ना घर आ गए हैं क्योंकि अब रात होने वाली है थोड़ी देर में, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। और जहाँ पे हम आजकल आए हैं ये हाइट में है काफ़ी जगह, तो इवनिंग के टाइम में यहाँ ठंड होती है, तो मैंने भी जिपर सा पहन लिया ऊपर से। और शाम सुबह शाम यहाँ ठंड होती है, तो काफ़ी हाइट में है थोड़ी जगह, और यहाँ से जो व्यू है वो दिखाती हूँ। तो ये है यहाँ से इवनिंग का व्यू, जहाँ हम रहते हैं वो यहाँ से दिखता नहीं है, विजिबल नहीं है। इससे भी नीचे जाके है, काफ़ी नीचे जाके है। ये देखो यहाँ पे कौन आया है। हेलो एवरीवन, ये है हमारे शेकू भाई। आजकल हमारा सीजन चला है जोरों शोरों से। शेखर का गांव भी यही है, मासिया है। अच्छा, तो शेखर बोल रहा है कि सीजन ऐसा लगा है कि खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं इस बार खत्म होगा कि नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है इस बार चला सीधे अगले सीजन तक चलता ही रहेगा। अपना स्नैक्स मैंने लाया, एक ही लाया पर मैंने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज नेक्स्ट डे है और सुबह सुबह धुंध पड़ी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है इधर। ये सेब दिख रहे हैं, ये सेब के ऊपर जो लोड पड़ जाता है ना, इनको रुकाने के लिए सपोर्ट रखी हुई है ताकि ये ऐसे रुक जाए। तो आज है डे सेकंड सीजन का मेरा, इन लोगों को तो बहुत दिन हो गए हैं, और अब हम जा रहे बगीचे की तरफ। और ये देखो कद्दू भी लगाए हैं बड़ी मम्मी ने। हाँ, हमारा छोटा सा घर है यहाँ पे, नीचे वाले फ्लोर में तो हॉल ही रखा है ताकि पहले जब सेब वगैरह भरते थे उसके लिए, और ऊपर वाले में दो कमरे हैं वहाँ हम लोग रहते हैं। मैंने तो अपने साथ सारे बैग डाले हुए हैं जितने भी हैं मेरे पास, 8-9 बैग हैं मेरे पास खाली हैं, एक में बस पानी डाला है मैंने। और तो हम लोग यहाँ पे सर्दियों में रहते नहीं हैं कोई भी, क्योंकि यहाँ ठंड होती है बहुत, बर्फ़ पड़ती है। तो अभी जस्ट गर्मियों में आते हैं, बीच बीच में आते हैं जब काम होता है, कटिंग होती है, स्प्रे होती है, खाद डालनी होती है, तभी आते हैं, अदरवाइज़ हम लोग रहते नहीं हैं यहाँ पे ज़्यादा। दादा दादी होते थे ना पहले, तो वो लोग ही रहते थे यहाँ पे, और हम भी आते थे उनके पास स्कूल से, दूर था थोड़ा स्कूल से यहाँ के लिए, पर बीच बीच में हम भी आते थे जब हमें उनकी याद आती थी।
फिर थोड़े बुजुर्ग हो गए तो फिर दादा दादी फिर नहीं आए, फिर बड़े मम्मी और बड़े पापा ही आते हैं। हमारा खुड यहाँ पे काऊ शेड था यहाँ पे बगीचे में, और यहाँ पे भालू आता था जो इसके ऊपर चादरें थी उनको उखाड़ के फेंक देता था। कई बार इसमें सेब भी रखे होते थे जो बाकी बच गए होते थे तो उनको खाने आता था। शुरू शुरू में तो यहीं पर रहते थे दादा दादी, इसी जगह पर, फिर वहाँ पर घर बनाया। राहुल हमेशा फोन पे ही लगा रहता है, सुबह से पता नहीं कितने फोन आ गए इसको, और एक क्रेट्स लगा रहा है यहाँ पे। और आज से क्या ऑफिस पहुँच गया हूँ, काम पे लग गया हूँ, ऑफिस में थोड़ा ज्यादा वर्क है, थोड़ा इसीलिए जल्दी आना पड़ा 10 बजे से पहले। हाँ कुछ फाइल साइन करने को रहेगी। हाँ चलिए ठीक है, अभी हम व्यस्त है। मधु फाइल नंबर 4 लाना। फाइल नंबर 4 सर यहाँ पे। ये टेक्निक मैंने पहली बार देखी, रस्सी में बैग देते हैं नीचे ऐसे, फिर नीचे पकड़ना, फिर देखो ऐसे नीचे से रस्सी खोल के क्रेट में डालेंगे, फिर जाएगा बैग वापस, फोन भी इसी के साथ। तो ये वाला सेब देखो, ये चिड़िया ने कुतरा हुआ है, और ये पूरा इतना बड़ा सेब, अच्छा खासा सेब था, अब ये खराब हो गया है। तो राहुल भाई कर रहे क्रेटों को अरेंज, और ये हमारे साथ आए हैं हमारे नेपाली भाई लोग, और एक दीदी भी आए हैं, ये तोड़ भी रहे हैं ढो भी रहे हैं। राहुल भाई का ऑफिस यहाँ पर काम करते हैं, ये इनकी फाइलें हैं जिनको ये साइन करते हैं। इतने बड़े बड़े सेब हो रहे हैं यहाँ पे देखो, साइज लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज होगा, देखो कितना बड़ा सेब है। ये और ये कैच कर लेता हूँ। देव 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 जा है ना। तो लंच से पहले हुई है, 61 क्रेट्स तोड़ी हैं, कुछ एक ले भी गए हैं, नीचे ले जा रहे हैं, यहाँ पे भी दीदी ले जा रहे हैं। ले रहे अब लंच ब्रेक हो रहा है हमारा 1:30 बजे, 1:30 बजे से ज़्यादा हो गया शायद टाइम, तो अब चलेंगे हम। तो शाम हो गई है और अभी मैं घर, हम लोग घर पहुँच ही रहे हैं जस्ट, अब नहाएंगे धोएंगे, दिन थकान जो है ना दूर हो जाती है, और बूंदाबांदी भी होने लगी है थोड़ी थोड़ी। ये है 3 मेरा और 10वां दिन राहुल का। ये जो सेब दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं गोल्डन, तो ये हरे रंग के हैं, लेकिन जब ये सर्दियों तक आने तक ये गोल्डन कलर के हो जाते हैं, स्लाइटली येलोइश हो जाते हैं। अलग अलग वैरायटी होती है ना सेब की, तो ये एक वैरायटी ये होती है। और इधर है मक्की लगी हुई, मक्की भी इतनी बड़ी बड़ी गई है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ, और ये है मशीन जिस पे ग्रेडिंग होती है सेब की। अभी तो हो नहीं रही है, पर मैं वापस जा रही हूँ अभी, वहाँ पर एक दो सेब अटके हुए हैं, तो इसके ऊपर से सेब जाते हैं, फिर ग्रेड होके इधर निकलते हैं, और इस वाली साइड से इधर निकलते हैं फिर। तो जब खेतों में सेब तोड़े जाते हैं उसके बाद सेब आते हैं मशीन पे, यहाँ पे उनकी ग्रेडिंग होती है, फिर क्रेटों में जाते हैं, फिर पेटियाँ भरी जाती है और फिर बेचने जाते हैं। तो इस साइड से शायद राइट साइड को होता होगा, इस साइड से लेफ्ट साइड को होता होगा। वोल्ट मीटर भी है, ये देखो ये बिल्कुल ब्रिसल्स की तरह है ब्रशेस। तो ग्रेडिंग के बाद सेब होते हैं ऐसे रखे हुए यहाँ पे, ये देखो बिल्कुल चमक रहे हैं ना, क्योंकि इसमें ब्रश वगैरह होता है, पता नहीं क्या क्या होता है मशीन पे, तो ये चमक रहे हैं, फिर ग्रेडिंग करके इनको ऐसे रखते हैं, और यहाँ से इनको भरते हैं पेटियों में। ये है यहाँ पे पेटियाँ भरी जा रही है, ये हमारी ही पेटियाँ हैं, और अभी और है भरने को, फिर एक लॉट तैयार हो जाएगा भेजने के लिए। तो फिर जो ड्रॉप हुए होते सेब है ना, उनको इस तरह से बोरियों में भर के HPMC को बेचते हैं किलो के हिसाब से। मैं सुबह सुबह बुआ के घर आ गई वापस, क्योंकि मैं जा रही हूँ वापस। है बुआ जी बाय। तो यार खाना खाते हुए गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट आओ फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट में बोले आज खिचड़ी खिचड़ी है। ये हो रही है यहाँ पे गाड़ी लोड। आज मैं जा रही हूँ वापस घर, क्योंकि मुझे कुछ से एक दो दिन में शिमला निकलना है, और हमारी गाड़ी का हुआ था टायर पंचर। ये देखो अब हमें टायर बदलना पड़ेगा, ये स्टेपनी लगाई थी इसमें,
ये टायर बना के ले आए, अब ये लगाना है इसमें। राहुल बोल रहा है कर तू चेंज, और मुझे तो आता नहीं है चेंज करना। भाभी आओ टायर चेंज करते हैं। खोल दिए तो मैंने ये 3 मिनट। ये नीथ लगाए पर जैक। तो उसके बाद मैं गांव से शिमला भी आ गई हूँ और मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था। तो ये था एप्पल का सीजन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग। तो उसके बाद मैं गांव से, काम चला है कंस्ट्रक्शन का। हेलो राहुल ब्रो, हेलो राहुल ब्रो, चरण यहाँ है। मेरा फैशन कहना पहले।